ओके जी, विंडोज़ सिक्योरिटी में गए, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में जाएंगे, विंडोज़ सिक्योरिटी इसे ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे होम पे पहुँच जाएंगे। लेफ्ट साइड पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसमें आए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, मैनेज सेटिंग्स। अब रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, इन सब को हमने डिसेबल कर देना है, ऑफ कर देना है, ऑफ ऑफ ऑफ। हमारा एंटीवायरस डिसेबल हो गया है, अब ये वर्किंग में नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस भी आपके पास नहीं होंगे, तो ये एप्लीकेशन की हुई है, एप्लीकेशन का किसी को ना पता हो जी, इसका जिससे हम ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी, बिन रैर। इसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है 123 होता है, गेट इनटू पीसी से जितने भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उसका डिफॉल्ट पासवर्ड 123 है। वो फाइल्स आ गई, ग्लास वायर। अब देखें ये इसका सेटअप पड़ा हुआ है और ये इसका पैच पड़ा हुआ है। अब पैच में पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। पैच bbt.exe। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें रीडमी की फाइल नहीं है। ग्लास वायर का सेटअप, पैच bbt। अच्छा, इसका एक पुराना वर्जन मेरे पास ऑलरेडी है सॉफ्टवेयर में, ग्लास वायर एलीट फुल 25/6/15/9.2.2.241। अब ये देखिए, इसमें ना रीडमी डॉट टेक्स्ट की फाइल है, तो हम इसे करते हैं। एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्लास वायर लीड, इसका सेटअप, इसे इंस्टॉल करते हैं सेटअप को। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अच्छा जी, अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एक बार इंस्टॉल हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस सेटअप इंस्टॉल होने के बाद इसमें आप लोगों ने रीडमी डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल पढ़ लेनी है। सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल कर लिया, अगर प्रोग्राम रनिंग में है तो उसे क्लोज़ कर दें, इवन फ्रॉम सिस्टम ट्रे, कि सिस्टम ट्रे से भी उसे क्लोज़ कर दें। अब एक्सट्रैक्ट क्रैक डॉट जिप, इसमें क्रैक डॉट जिप की जो फाइल है हमने इसको रन नहीं करना है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन में यही बताया है, तो अभी देखें वो रन में नहीं है। अब हमने क्रैक में क्रैक डॉट जिप को एक्सट्रैक्ट किया, क्रैक, अब दोबारा रीड डॉट टेक्स्ट, क्रैक टू नॉट वर्क्स ऑन ओल्ड बिल्ड्स ऑन विन 10, इफ दिस हैपन टू योर सिस्टम यूज़ क्रैक 1। तो हम क्रैक 1 को ही पहले करते हैं। अब इसकी जो फाइल है, क्लोज ग्लास वायर कॉपी 2DLL टू द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम फोल्डर। अब ये दोनों फाइल्स जो हैं इनको हमने कॉपी करना है, सी प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स x86। अब यहाँ पे देखें ग्लास वायर है, ग्लास वायर, इसमें हमने वो फाइल्स पेस्ट कर देनी है, कंटिन्यू। अब ये दोनों फाइल्स यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं। अब हम इसे रन करेंगे ग्लास वर्ड डॉट एक्सजी को। अब देखें ग्लास वायर इंटरनेट मीटर है, हमें पता लग रहा होगा कि अबाउट। अब ये देखें ग्लास वायर एलीट, तो मतलब इसका जो एडिशन था $99 का, हमने वो वाला इंस्टॉल कर लिया है।
और ये फुल वर्जन है। ओके जी, अजान हो जाए। ओके जी, गिलास वाइप यूजेज में आपको पता लग रहा होगा कि आपने पर डे कितना डाटा यूज़ किया है, अपलोडिंग कितनी की है, डाउनलोडिंग कितनी की है। इसके हम यहाँ से जाके थीम चेंज कर सकते हैं। प्रो वर्जन में ये थीम वगैरह मिलेंगे आपको, मतलब पेड जो होगा, अदरवाइज़ फ्री वाले में नहीं होंगे। एस्पल्ट थीम, ओके। अब देखें इसका ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो येलो कलर वाली है, अपलोडिंग जो है वो पिंक कलर है, मतलब इतनी डाउनलोडिंग हुई है, इतनी अपलोडिंग हुई है। यूजेज में किस एप्लीकेशन ने कितना यूज़ किया है, अपलोडिंग कितनी की है, डाउनलोडिंग कितनी की है, तो वो आपको बता रहा होगा। थिंग्स में यहाँ पे हम स्कैन करेंगे। इस नेटवर्क में मैं जिस नेटवर्क से कनेक्ट हूँ उस नेटवर्क के साथ और कितने यूज़र्स हैं जो वो कनेक्ट हैं इस टाइम। तो जब हमें किसी भी सिस्टम का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस मिल जाए तो हम उसे कुछ भी कर सकते हैं। हमने ये नेटवर्किंग के चैप्टर्स में देखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ रहा है, तो इसकी मदद से हम किसी को भी पिंग कर सकते हैं, उसका नेटवर्क स्लो कर सकते हैं। तो सर्वर का भी हमें यहाँ से पता लग जाता है कि सर्वर कौन से आईपी एड्रेस उसको मिला हुआ है। इसका अपना फायरवॉल है। अलर्ट्स में क्या होता है कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुई भी हो, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो, तो वो साथ साथ हमें बता देता है कि फ़र्स्ट नेटवर्क एक्टिविटी, कि किसी एप्लीकेशन में या विंडोज़ के अपने हो या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, जब भी वो पहली बार नेटवर्क से कनेक्ट हो तो वो हमें अलर्ट कर देता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी प्रोसीजर में आ जाता है। हमने अपलोडिंग डाउनलोडिंग देखनी हो, 5 मिनट्स, 3 आवर्स, 24 आवर्स, वीक और मंथ, तो इसका हम ये ग्राफ देख सकते हैं इस तरह। मंथ, वीक, 24 आवर्स, 3 आवर, 5 मिनट्स, ये 5 मिनट्स का है। इसको हम इस तरह एक्सपेंड भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरह एक्सपेंड भी जी। यूजर में तो आपको ये, मतलब जब से आप यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन तब से बताएगा। ये यूजर में होस्ट, इसका क्या मतलब है? इधर ये जो साथ होस्ट में है कि आईपी एड्रेस कौन कौन से, सर्वर कहाँ कहाँ पर है, सर्वर कहाँ कहाँ, एप्लीकेशन तो है, कौन कौन से आईपी एड्रेस से, कौन कौन से मैक एड्रेस से वो सिस्टम कनेक्ट हुआ है या नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। अब ये ट्रैफिक टाइप जो है अदर है, HTTPS है, MDNS है। अब HTTPS का मतलब कि हमने जो ब्राउजिंग की है ये उसका बता रहा है। अदर में दूसरी ट्रैफिक टाइप आ जाती है, तो इस तरह ये डिफरेंट चीज़ें हैं। एंटीवायरस इस वजह से हमने भी ऑफ किया था क्योंकि हमने इसे क्रैक किया है, तो क्रैक की फाइल जो है वो वायरस उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब जब हमने इस फोल्डर को सॉफ्टवेयर में आके ग्लास वायर सेटअप इससे भी डिलीट कर देना है। अच्छा, इसकी एक फाइल इनेबल्ड होगी, रीडमी डॉट टेक्स्ट, इसे इनेबल डिलीट रिमूव किया, ट्राई अगेन, तो ये फोल्डर डिलीट हो गया। अब डाउनलोड्स में जाके एक प्रोग्राम्स के फोल्डर में भी ग्लास वायर हमने एक्सट्रैक्ट किया था, तो इसे भी हम ग्लास वायर को कर देते हैं। यहाँ से बेशक ये वाली जो ओरिजिनल फाइल थी इसको भी डिलीट कर दें। तो अब जब वो फाइल रिमूव हो गई है तो अब हम इसे इनेबल कर सकते हैं। कोई भी क्रैक जी ऑफ करना चाहिए। एक्चुअल में बेसिकली होता वो भी एक वायरस टाइप ही है, तो और होता भी क्रैक है, तो विंडोज़ जो है वो क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने नहीं देता है, तो अब डिलीट कर दें। एक्चुअल में हमने अभी जो किया वो DLL की फ़ाइल है, तो DLL फाइल बहुत काम होता है कि ये इसको डिटेक्ट करें, क्योंकि उसमें से पता नहीं लगता कि वो वायरस है या नहीं, क्योंकि सिंपल वो फाइल होती है, एग्जी फाइल जो होती है या पैचर वगैरह, तो उसे वो रिमूव कर देता है साथ साथ। ओके जी, जब थिंग्स में आ गए तो हमें पता लग रहा है कि कितने सिस्टम्स कनेक्ट हैं इस टाइम नेटवर्क से, 13 डिवाइसेस, और ये ग्राफ, तो इसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम का फिर हमें पता लग जाता है कौन कौन से कनेक्ट है। अब जब हमने रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करना है, किसी का भी सिस्टम रिमोटली एक्सेस करना है, तो हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं।
हमें पता लग गया कि कौन सा आईपी एड्रेस कनेक्ट टेस्ट है। अब ये वाला जो सिस्टम है एचपी का, ये मेरा अपना है, मैं इसको लेबल कर सकता हूँ माई लैपटॉप। अब जब मैंने माई लैपटॉप किया तो जब भी मैंने थिंग्स में आना है तो फिर मुझे पता लगेगा मेरा अपना ये वाला लैपटॉप है और बाकी जितने भी लैपटॉप हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो है ये राउटर है, ये राउटर है जिससे नेट आ रहा है, मैंने इसको राउटर कर दिया। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और के सिस्टम्स वगैरह जिनके आईपी एड्रेस का मुझे पता है, मैं उसको लेबल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस में ये इनका सिस्टम है, या नीचे वाले में से किसी फ्लोर में से ये उसका सिस्टम है, तो इस वजह से मुझे याद रहेगा। और जब एक बार लेबल हो जाए, नेक्स्ट टाइम जब मैंने सर्च करना है तो कौन कौन से सिस्टम कनेक्ट है, मुझे इसका भी पता लग जाएगा कि इस टाइम ये ऑनलाइन है। तो अभी रिमोटली जब हम एक्सेस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा रिमोटली एक्सेस भी किस तरह करते हैं। जी क्लियर है ये? कोई सवाल हो किसी का? जी जी आते हैं, आ सकते हैं, उसमें तो नहीं होगा। ओके जी, ये इंटरनेट मीटर हो गया। यूएसबी पोर्ट्स को डिसेबल करना, ये हमने ओरिएंटेशन क्लास में एक बताया था कि हम ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो यूएसबी पोर्ट्स को डिसेबल करना कि जब हम यूएसबी कनेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप किसी को देते हैं या घर में सिस्टम पड़ा हुआ है तो कोई भी आके यूएसबी लगा देता है, उसमें वायरस वगैरह हो तो आपका सिस्टम ख़राब हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो इसे किस तरह हम डिसेबल करते हैं, अगर यूएसबी में अपने आप को लगा के दिखाऊँ इस टाइम, ओके जी यूएसबी डिटेक्ट की, तो यहाँ पे देखें यूएसबी आपको शो हो रही है, ठीक हो गया। इसे रिमूव करते हैं, ओके जी। तो इसको अचीव करने के लिए कि हम यूएसबी पोर्ट को कैसे डिसेबल कर सकते हैं, अच्छा ये स्टोरेज टाइप को डिसेबल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सिस्टम में यूएसबी पोर्ट्स को डिसेबल कर देते हैं तो तब तो हम अपने माउस और कीबोर्ड को भी एक्सेस नहीं कर सकते होंगे, तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेस को डिसेबल करता है या रेस्ट्रिक्ट करता है। तो इसको अचीव करने के लिए रजिस्ट्री एडिटर में जाएंगे। यहाँ पे हमने ये कल करके देखा था, कल हमने इसमें क्या किया था याद हो अगर किसी को, पार्टीशन को हाइड करके हमने यहाँ पे देखा था। अच्छा जी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एच की लोकल मशीन में आएंगे। इसमें अब यहाँ पर सिस्टम के बाद करंट कंट्रोल सेट है, इसमें आएंगे। करंट कंट्रोल सेट में सर्विसेज में आएंगे। अब सर्विसेज में आके यहाँ पे लास्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी स्टोर, ये रहा यूएसबी स्टोर, इसको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे राइट पे स्टार्ट है, इस पर क्लिक किया,
बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 3 होगी, ठीक हो गया। इस 3 को हमने 4 कर देना है, ओके करेंगे। अब हम दोबारा अपनी यूएसबी लगाते हैं। दिस पीसी में गए, अब देखें, अब हमें वो यूएसबी नज़र नहीं आएगी। यूएसबी डिटेक्ट होती है, इसमें कीबोर्ड और माउस लगाएंगे वो चलेगा इस टाइम, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी आपको। वो अब डिटेक्ट नहीं होगी तो इसका मतलब ना वायरस इसमें एंटर हो सकता होगा, ना कोई फाइल्स वगैरह इसमें मूव हो सकती होंगी। फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं और आप किसी को दे देते हैं, वो उसमें से डॉक्यूमेंट भी चोरी कर सकता है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आप लोग इससे महफूज हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ है जी। क्लियर है? दोबारा बता दूँ। अच्छा, पासवर्ड टाइप सिक्योरिटी मतलब वो तो बिट लॉकर है, बिट लॉकर। कल आप आए नहीं थे, हमने कल देख लिया बिट लॉकर का ना, मैंने वो वीडियो भी शेयर कर दिया है, तो उसमें देख लीजिएगा। अब दोबारा इसकी वैल्यू अगर हम 3 करते हैं, तो अब अगर हम यूएसबी लगाते हैं तो आपको ये नज़र आएगी, ये देखें, ठीक हो गया। इसको दोबारा से रिमूव करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्री एडिटर ओपन करेंगे। हर विंडोज़ में ये ऑप्शन होगा रजिस्ट्री एडिटर, या तो सर्च में रजिस्ट्री एडिटर लिखें या फिर विंडोज़ प्लस आर प्रेस करें और इसमें रेज एडिट, REGEDIT, रेज एडिट, इसे ओके करेंगे तो सेम वही रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इसमें कंप्यूटर में आगे 5 आपको ये एच की क्लासेस नज़र आ रही होंगी, एच की। उसके बाद एच की लोकल मशीन को हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंड किया ऐसे, इसमें सिस्टम, सिस्टम में करंट कंट्रोल सेट, इसमें जाके सर्विसेज, सर्विसेज के लास्ट में जब हम जाएंगे, अगर आप यहाँ पे किसी को सेलेक्ट करके यू टाइप करेंगे तो तब भी हम यू वाले पोर्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे यूएसबी स्टोर होगा, यूएसबी स्टोर जो कैपिटल वर्ड्स में ही लिखा होगा, ओके। यूएसबी स्टोर, इसमें ये एक स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट को सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 3 है, इसको हमने 4 कर देना है तो अभी नहीं वर्क करेगा। मतलब 3 का मतलब है कि वो स्टार्ट है, रनिंग में है, 3 के अलावा कोई वैल्यू कर दें उसने नहीं चलना है। तो दिस पीसी में आए, फ्रेश यूएसबी लगाई, देखिए यूएसबी डिटेक्ट होती है लेकिन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने यूएसबी पोर्ट्स को डिसेबल कर दिया है। इसे निकाल के दोबारा से अगर हम वैल्यू इसकी 3 कर देते हैं तो इसने चलने लग जाना है, तब भी नहीं चलेगा, ये सारी पोर्ट्स डिसेबल हुई है। इसकी अपनी वैल्यूज़ हैं कुछ ना, कि जो विंडोज़ ने बाई डिफ़ॉल्ट सेट की है, कि 3 का मतलब है कि स्टार्ट ऑन है, 3 के अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं 4 है, कंडीशन लगी हुई है। दिस पीसी में यूएसबी लगाते हैं तो अब देखें यहाँ पे वो आपको नज़र आ गई है जी। क्लियर है? ओके, यूएसबी पोर्ट डिसेबल भी हो गया, इंटरनेट मीटर भी हो गया। अच्छा, इसमें एक विंडोज़ में स्टार्टअप फोल्डर होता है, विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे, इसमें लिखेंगे शेल कॉलन स्टार्टअप, शेल कॉलन स्टार्टअप,
ओपन शेल स्टार्टअप, ओके। ये एक फोल्डर रन हो जाएगा, ये एक फोल्डर रन हो जाएगा। अब इसमें आप लोग कोई भी फाइल्स वगैरह रखेंगे या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह भी रखेंगे, जैसे ही सिस्टम ने रन होना है, स्टार्ट होना है, इसके अंदर की जितनी फाइल्स या फिर एप्लीकेशन वगैरह या कोई फोल्डर भी कह लें, कोई भी फाइल कह लें, उसने रन हो लेना सबसे पहले। जैसे ही सिस्टम रन होगा, सबसे पहले इसके अंदर जितनी फाइल्स होंगी वो रन हो जाएगी इस फोल्डर में जो चीज़ें होंगी। अब इसकी मदद से आप किसी का सिस्टम भी ख़राब कर सकते हैं, हम किसी का सिस्टम भी ख़राब कर सकते हैं। कोडिंग जिन्हें आती है, थोड़ी बहुत भी अगर आती है, ट्रिक्स वगैरह अगर किसी को पता है, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरह की कोडिंग कर सकते हैं कि जैसे ही ये विंडोज़ ओपन हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली दोबारा से बंद हो जाए, सिस्टम ऑटोमेटिकली दोबारा से बंद हो जाए। तो क्या होगा, जैसे ही सिस्टम रन होगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम दोबारा से बंद हो जाएगा। तो उसे लगा कि सिस्टम मेरा ख़राब हो गया है, अब उसने क्या करना है, अब उसके बाद दोबारा से वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा इंस्टॉल। तो हम ये सारी चीज़ें सिस्टम ठीक भी कर सकते हैं, और जिसे ठीक करना आता है वो ख़राब भी कर सकता है, ओके जी। इसके अलावा राइट क्लिक करते हैं, ये ऑप्शंस आते हैं, ठीक हो गया, राइट क्लिक करते हैं, ये ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आते हैं। हम इस राइट क्लिक के बहुत आदि बने हुए हैं, ऐसे ही है, राइट क्लिक ना हो तो हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए, इसे डिसेबल करने के लिए, अगर डिसेबल कर दें डेफिनेटली उसने विंडोज़ दोबारा करवानी है, या अगर मैं आप लोगों के सिस्टम में कर दूं, आप लोगों ने भी दोबारा करनी है। इसे डिसेबल करने के लिए रन में gpedit.msc, जिसकी मदद से हम कल काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे, लेफ्ट साइड में यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसमें विंडोज़ कंपोनेंट्स, और इसमें फाइल एक्सप्लोरर। अब इसमें एक ऑप्शन आएगा रिमूव फाइल एक्सप्लोरर डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसे ओपन करेंगे, इनेबल कर देंगे, ओके। डेस्कटॉप में गए, अब राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा कोई भी, किसी भी, यहाँ पे राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे करें, यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक हो गया, इस टास्क बार में ये वर्क करेगा। बाकी ये फाइल एक्सप्लोरर का जो है, ये जितना भी है फाइल एक्सप्लोरर रन हो रहा है, ये भी फाइल एक्सप्लोरर रन हो रहा है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अगर टास्क बार का भी हाइड करना है, इसी में गए दोबारा से, विंडोज़ कंपोनेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार आ रहा है, स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार, इसमें भी RR प्रेस करते जाएंगे, रिमूव ये रहा, रिमूव एक्सेस टू द कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज फ्रॉम फॉर द टास्क बार, इसे रन किया, इनेबल्ड किया, ओके। अब राइट क्लिक करें, अब इस पर भी नहीं वर्क करेगा, मतलब हर जगह से वो राइट क्लिक का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, हर जगह से राइट क्लिक का ऑप्शन ख़त्म हो गया, और हम इतने आदी हो गए कि रिफ्रेश भी करना हो इतनी स्पीड से कर देते हैं तो वो होगा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट होगा आपका राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक से सारे काम हो रहे होंगे। हमने राइट क्लिक के जितने फंक्शन थे वो सारे डिसेबल कर दिए हैं। अच्छा, ये कोर्स करने से पहले आप लोगों को भी नहीं पता होगा इन सब चीज़ों का, ऐसे ही है ना, ये कोर्स से पहले अगर कोई आपके सिस्टम में कर देता, आपने भी विंडोज़ करनी थी दोबारा जी, हाँ जी जी जी, कर्सर क्या हो सकता होगा, आई थिंक हो सकता है। फाइल एक्सप्लोरर में गई दोबारा से,
अब यहाँ पे हमने किसी एक को यस किया था, ये रहा इनेबल्ड, नॉट कॉन्फ़िगर्ड कर देंगे ओके, तो अब क्या होगा, वो दोबारा से वर्किंग में आ जाएगा, इसका भी वर्किंग में आ गया जी। क्लियर है या रिपीट कर दूँ? जी, gp edit dot msc, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाएगा। अगर इसको सर्च करना है तो यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर, एडिट ग्रुप पॉलिसी लिखा होगा, उसके साथ ही नीचे ये भी लिखा होगा एक वर्ड, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर, इसे रन करेंगे तो ये वही चीज़ आ गई, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। लेफ्ट पे यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज कंपोनेंट्स, फाइल एक्सप्लोरर, इसमें अब हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माई कंप्यूटर, हमने कल ये देखा था एक ऐसे ही है, हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माई कंप्यूटर, इससे क्या होता है कि आपकी ड्राइव की जो पार्टीशंस वगैरह हैं उसे हम हाइड कर सकते हैं। और एक हमने देखा था प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव्स फ्रॉम माई कंप्यूटर, कि हम जिसको वो रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहें हम उसको रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इनेबल करते हैं, रेस्ट्रिक्ट डी ड्राइव ओनली, अप्लाई करते हैं, तो अब क्या होगा, डी ड्राइव अगर हम ओपन करना चाहें तो रेस्ट्रिक्शंस लग गई है। ये जो कल नहीं आए थे, आपने कल देखा था ये वाला? नहीं, मुइन ने भी नहीं देखा था, तो ये आप लोगों के लिए कि इस तरह फिर हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपनी पार्टीशन में। इसको दोबारा से नॉट कॉन्फ़िगर कर दें तो दोबारा से वो इनेबल हो जाएगा। अच्छा जी, रिमूव फाइल एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसके ऊपर ही है, इसे इनेबल करेंगे तो क्या होगा, राइट क्लिक के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे जी। डिसेबल का मतलब कि डिसेबल्ड है वो, राइट क्लिक करेंगे तो वर्किंग करेगा। नॉट कॉन्फ़िगर्ड और डिसेबल्ड सेम चीज़ है। अच्छा, ये लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर में आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले द मेन्यू बार इन फाइल एक्सप्लोरर, मेन्यू बार उसमें शो होने लग जाएगा, डिस्प्ले होगा। और टर्न ऑफ शेल प्रोटोकॉल प्रोटेक्टेड मोड, मैक्सिमम अलाउड रिसाइकल बिन साइज है, इनेबल करते हैं, वैल्यू रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ हार्ड डिस्क डेट कैन बी यूज्ड, 10% डेटा, स्टोरेज डिवाइस का 10% डेटा रिसाइकल बिन में स्टोर हो सकता है, अगर हम इसको 1% कर दें तो ये 1% यूज में आ जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें अब लिखा हुआ भी होगा, इफ़ यू इनेबल दिस सेटिंग्स द यूज़र हैज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस डैट मे बी यूज फॉर द रिसाइकल बिन ऑन देयर वर्क स्टेशन, इफ़ यू डिसेबल और डू नॉट कॉन्फ़िगर दिस सेटिंग यूजर्स कैन चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज बाई द रिसाइकल बिन। तो अगर हम इनेबल कर देते हैं इसका मतलब हम 10% यूज़ कर सकते हैं, 1 करेंगे तो 1% यूज़ कर सकते होंगे, 100 करेंगे तो 100% हम यूज़ कर सकते होंगे, तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा टर्न ऑफ विंडोज़ की हॉट कीज़, टर्न ऑफ न्यूमेरिकल सॉर्टिंग इन फाइल एक्सप्लोरर मेन्यू, इनेबल करते हैं ओके, सॉर्ट बाय नेम डेट मॉडिफाइड टाइम साइज, अच्छा जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो ऑप्शन था वो डिसेबल हो गया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो ये भी हम डिसेबल कर सकते हैं।
मतलब पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इन सब की मदद से। लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर हो गया और रजिस्ट्री एडिटर हो गया, तो इससे हम पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एडिट कर सकते हैं। ओके जी, क्लियर है ये? ओके जी, इन्हें बंद करें ज़रा। अच्छा जी, मैं एक मिनट ब्लॉक, मतलब कोई यूज़र हमारा नेट यूज़ कर रहा है? नहीं, ग्लास वायर से तो नहीं कर सकते हैं, वैसे तो हम कर ही सकते हैं। जी विंडोज इसमें सारे एडिशन है जी। जी मतलब UEFI और BIOS है, फिर भी हो जाएगा। किसी ने विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया अभी तक? मैंने बहुत कर लिया है, मुझे अल्लाह का शुक्र काफ़ी सारे मेथड्स भी आ गए हैं कि किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। हम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे प्रैक्टिकल ना उसकी वर्कशॉप करेंगे इंशाल्लाह। जी जिस दिन आपको ऑफ होगा यूनिवर्सिटी से, ठीक हो गया, ताकि आप आ सकें। सैटरडे या संडे? सैटरडे संडे लैब फ्री नहीं होती है। फिर 4 साल बाद जब विंडोज 12 आ जाएगी। रिकॉर्डिंग कर लेना आप। अच्छा जी, लॉक स्क्रीन। अच्छा, लॉक स्क्रीन में काफ़ी सारे ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं। मतलब एक तो हमने ये पासवर्ड लगाया हुआ है सिंपल पिन का, हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे जाके चेंज अकाउंट सेटिंग्स, साइन इन ऑप्शंस। अब साइन इन ऑप्शंस में पहले एक और ऑप्शन आता था इमेज का, हम पिक्चर यूज़ करके, कोई भी पिक्चर यूज़ करके उसको भी एज अ हम लॉक स्क्रीन यूज़ कर सकते थे, तो वो इन्होंने ऑप्शन ख़त्म कर दिया। एक इसमें ये फेस का है, फेस डिटेक्शन जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में होता है। एक ये फिंगरप्रिंट का है, अगर फिंगरप्रिंट लगाओ। एक ये पिन है और एक ये सिक्योरिटी की, फिज़िकल सिक्योरिटी की। तो ये हार्डवेयर टाइप है, तो हार्डवेयर जब ये आपके पास होगा तब ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहता था लेकिन वो ख़त्म हो गया ऑप्शन। आपके पास है विंडोज़ प्लस एल जी? जी विंडोज़ प्लस एल। अच्छा, जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में स्क्रीन शॉट लेते हैं उसी तरह हम अपने विंडोज़ में भी ले सकते हैं। तो इसको लेने का तरीका, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर गए, एक है विंडोज़ प्लस प्रिंट स्क्रीन,
आप लोगों के कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होगा, टर्न ऑन कीबोर्ड। ये वाला बटन PRTSC, ये आप लोग के सामने कीबोर्ड रखा हुआ उसे भी देखें, उसमें भी होगा, उसमें लेकिन ब्लू कलर से होगा, आई थिंक ब्लू कलर से है। अच्छा, ब्लू कलर में देखें एक विंडोज़ आइकन के साथ एक और बटन होगा FN का, FN का, ठीक हो गया। इसे कहते हैं फंक्शन कीज़। एक कीबोर्ड में जब ज़्यादा फंक्शन हमने ऐड करने हो तो हम एक बटन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, मतलब ये न्यू फीचर ही है, पहले नहीं होते थे फंक्शन की। अब इस कीबोर्ड में जितने ब्लू कलर के होंगे, ब्लू कलर में टेक्स्ट जो लिखा होगा वो फंक्शन की प्रेस करके वो वाला वर्क करेगा। अगर फंक्शन की प्रेस किए बगैर, वैसे आप लोग प्रेस करते हैं तो इसके साथ एक और टेक्स्ट भी लिखा होगा सिंपल वाइट कलर में आई थिंक, तो वो वाला वर्क करेगा। इस कीबोर्ड का मॉडल क्या है, इसके पीछे लिखा होगा, डेल जी db/ma नहीं कुछ और होगा, KB 216 टी पी है ये वाला, ये कीबोर्ड है। जी इसमें भी वाइट है, ब्लू वाला भी आया था, ब्लू वाला। जी ये है इंसर्ट है के साथ प्रिंट स्क्रीन का, ठीक हो गया। तो अगर इस फंक्शन की को प्रेस किए बगैर आप वैसे बटन प्रेस करते हैं तो इंसर्ट वर्क करेगा, अगर फंक्शन की के साथ प्रेस करते हैं तो प्रिंट स्क्रीन वर्क करेगा। अब इसकी शॉर्टकट की जो है विंडोज़ प्रिंट स्क्रीन है, लेकिन इसमें अब ये प्रिंट स्क्रीन फंक्शन की के साथ प्रेस होगा, तो इसमें विंडोज़ प्लस फंक्शन की प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो जब इस तरह हम क्लिक करेंगे, ये देखें ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब ये स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव हो रहा है, पिक्चर्स के फोल्डर में, ठीक हो गया, पिक्चर्स के फोल्डर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स है। स्क्रीनशॉट्स में यहाँ पे देखें ये आ रहा है स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट जी मैं वही बताता हूँ, ठीक हो गया। एक ये तरीका है प्रिंट स्क्रीन का, एक है विंडोज़ प्रेस किए बगैर सिर्फ प्रिंट स्क्रीन करें, सिर्फ प्रिंट स्क्रीन करें, ये प्रिंट स्क्रीन हो गया, या लेट्स सपोज, अच्छा अपने स्क्रीनशॉट्स आप लोग वन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं और फिर आप लोग इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके नो थैंक्स। रेन मीटर हम इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट, विंडोज़ प्लस फंक्शन की प्लस प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो प्रिंट स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और पिक्चर्स के फोल्डर में सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट्स के फोल्डर में। अगर वैसे प्रिंट स्क्रीन करते हैं, ये प्रिंट स्क्रीन हो गया है लेकिन अभी तक सेव नहीं हुआ कहीं पे। अब इसको सेव कैसे करना है, इसको देखना कैसे है, हम यहाँ पे पेंट में जाएंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट किया, अब हम इसे सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे, ये PNG में हो सकता है, डेस्कटॉप में 123 के नाम से, या फिर रेन मीटर। सेव किया तो ये देखें, ये रेन मीटर की बोला स्क्रीनशॉट, ये देखें पूरा का पूरा सेव हो गया, ठीक हो गया। एक ये तरीका था, उसमें ये कि डायरेक्ट वो फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, इसमें स्क्रीनशॉट हो तो जाएगा, क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, लेकिन इसे पेंट में जाके पेस्ट करना पड़ेगा। क्रॉप भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। एक इसका ये भी होता है कि वो बाय डिफॉल्ट सेव हो रही है,
आपके स्टोरेज डिवाइस में सेव हो रही है, ठीक हो गया। ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गई है, आपने व्हाट्सएप में किसी को सेंड करना हो या स्काइप करना हो या ईमेल वगैरह में या कहीं अपलोडिंग भी करनी हो तो डायरेक्ट वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे तो उसने पेस्ट हो जाना है कि आपकी स्टोरी डिवाइस में उसने असर नहीं करना है, ठीक हो गया। एक तो ये हो गया, एक है स्निपिंग टूल, इसका SNIPP स्निपिंग टूल, इसकी मदद से न्यू करेंगे। इसमें बाई डिफॉल्ट मोड भी है, फ्री फॉर्म स्निप, रेक्टेंगुलर स्निप, विंडो स्निप और फुल स्क्रीन स्निप। न्यू करते हैं तो अब देखें, हम जितना पोर्शन करेंगे उतना स्क्रीनशॉट लिया गया और यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। इसे अब हम सेव कर सकते हैं, सेव करेंगे डेस्कटॉप में कर देते हैं सेव। तो ये देखें, ये यहाँ पे सेव हो गया। अच्छा, इसी की शॉर्टकट की विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब ये इस टाइम जो इसका मोड है वो यही है जो भी हमने सेलेक्ट किया है, हम जिसको सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस, जितना हम उसको सेलेक्ट करेंगे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे अब नोटिफिकेशन बार में आपको वो नज़र आ रहा होगा। अब ये नोटिफिकेशन बार में आ रहा होगा, इसे ओपन करेंगे तो उसी स्निप एंड स्केच में ही आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हैं। अगर सेव नहीं करना है, सिंपल किसी को सेंड करना और अपने पास आप लोगों ने रखना भी नहीं है, कॉपी करें, ठीक हो गया। कॉपी कर लिया हमने, या फिर इस पर कॉपी करने के बाद स्काइप ओपन किया लेट्स सपोज, और किसी भी उसमें जाके पेस्ट और हमने सेंड कर दिया, हमने ये वो फाइल सेव ही नहीं की अभी तक, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जाके हम इस तरह फिर पेस्ट कर सकते हैं। एक ये तरीका, दोबारा से विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करें, फ्री फॉर्म स्निप, विंडो स्निप में क्या होता है, इसको बंद करता हूँ मैं, कैलकुलेटर। लेट्स सपोज एक सिर्फ कैलकुलेटर लेने का, अब फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हमने कोई कैलकुलेशन की है, ठीक हो गया, आपने किसी को दिखाना है। एक तरीका ये है कि मैं इसको बहुत एहतियात से इस पूरा का कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट लूँ इस तरह, ठीक हो गया। ये स्क्रीनशॉट लिया गया, नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे आके वो पूरा का पूरा कैलकुलेटर आ गया। इसे सेव कर सकते हैं और कॉपी करके डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। स्निपिंग टूल, एक तरीका ये कि विंडो स्निप सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें हम जाके किसी भी विंडो पे बस जाके एरो लेके जाएंगे, डेस्कटॉप में लेके जाते हैं फुल स्क्रीन को कर रहा होगा, टास्क बार में लेके जाते हैं वो सिर्फ टास्क बार को कर रहा होगा, कैलकुलेटर में लेके जाते हैं तो वो कैलकुलेटर को उसने सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। अब हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ी वो वाली कि हमने बड़े तरतीब से एहतियात से उसको सेलेक्ट किया था। अब देखें, ये कैलकुलेटर का उसने पूरा का पूरा स्निप ले लिया इस तरह, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। और एक ऑप्शन होता है इसका, ये फुल स्क्रीन करेंगे, उसने फुल स्क्रीन का स्निप ले लिया, लेकिन ये सेव नहीं हुआ अभी तक, ये उसी तरह स्निप एंड स्केच में आ जाएगा फुल स्क्रीन। अब हम इसे सेव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लिपबोर्ड में सेव हो भी जाता है। पेंट में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वही वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हम इसको इसी तरह किसी व्हाट्सएप की चैट में अगर किसी को सेंड करना हो, ग्रुप में सेंड करना हो, या स्काइप करना हो, या ईमेल में सेंड करना हो, तो हम इसको इस तरह डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं बजाय इसके कि हम इसे सेव करें। कौन सा विंडो वाला?
ये वाला, ये तो अभी हमने किया ही नहीं। इसका ये होता है कि हम इसको फ्री फॉर्म स्निपर, इसने अब इस तरह ही होना है, इतना पोर्शन इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा इस तरह। ये फ्री फॉर्म स्निप है, ये फ्री फॉर्म था। पहला वाला जो ऑप्शन था वो रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर स्निप, फ्री फॉर्म स्निप, विंडो स्निप और फुल स्क्रीन स्निप, ये चार ऑप्शन जी। ये विंडोज 10 नहीं है आप 11 नहीं यूज कर रहे इस टाइम, तो 10 नहीं है, 11 नहीं। इलेवन अपने अलावा मैंने बाकी सारे सिस्टम में अप्लाई कर दिया। एक्चुअली मैंने वो अभी बिल्कुल न्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें काफ़ी सारे बग्स आ सकते हैं इस टाइम। तो हमारा मतलब प्रोफेशनल वर्क है, एक दिन का अगर काम रुक गया तो बहुत सारा काम रुक जाएगा, तो इस वजह से मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। उसके थोड़े बहुत अपडेट्स वगैरह आ जाए फिर मैं करूँगा। दिल तो वैसे बहुत कर रहा है कि मैं कर लूँ, पर अभी मैं रुका हुआ। घर में एक और लैपटॉप पड़ा है, मैंने रात उसमें किया था, मैं कहा उसमें यूज़ कर लिया करेंगे। ओके जी, किसी का कोई सवाल हो और आगे करें। ओके जी, स्क्रीनशॉट्स भी हो गया। अच्छा, हमने बैंडविड्थ के बारे में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में, नेट के बैंडविड्थ के बारे में। अगर हम किसी से नेट लेते भी हैं तो हम किस में स्पीड ले रहे होते हैं? मेगाबिट, ठीक हो गया, मेगाबिट में लेते हैं, 1 मेगाबिट, 2 मेगाबिट, 4, 8 इस तरह करके। तो या 100 ले रहे होते हैं या 500 ले रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल 1 गीगाबिट भी ले रही है। तो 1 गीगाबिट की स्पीड कितनी होगी जी? 1 गीगाबिट, वन गीगाबिट की स्पीड कितनी होगी जी? बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट भूल गए जी? 1 गीगाबिट की कितनी स्पीड होगी बाइट्स में? बहुत ज़्यादा बन जाएगी, कम हो जाएगी ना? 1 बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है ना? तो 1 गीगाबिट को 1 डिवाइडेड बाय 8 करें, 0.125 बाइट से, ये बाइट्स में वैल्यू आई है, तो इसका मतलब 125 मेगाबाइट, 125 मेगाबाइट है ये। मतलब 1 गीगाबिट की स्पीड जो है 125 मेगाबाइट आ रही होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे डाउनलोडिंग का लगाया हुआ था विंडोज़ 11, इधर गया। अच्छा, चलाने का ये फ़ायदा है चीज़ें जल्दी डाउनलोड हो जाती हैं। अच्छा, एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने देखा कुछ दिन पहले ना, तो ये अगर डाउनलोड हो जाए जल्दी। ज़ोरिन ओएस, ज़ोरिन ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम शायद ट्राई कीजिएगा आप लोग, या वर्चुअल मशीन में करके देख लीजिएगा, या फिर वैसे डायरेक्ट बूटेबल बना के कर सकते हैं जी। ये है लिनक्स बेस्ड, लिनक्स बेस्ड है, किसी ने मतलब खुद से उसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो कंप्यूटर्स डाउनलोड, ये आप इसको मैक ओएस की तरह भी बना सकते हैं, इसका यूआई कर सकते हैं,
लिनक्स की तरह भी कर सकते हैं, विंडोज़ 11 की तरह भी कर सकते हैं, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे इसने फीचर दे दिए हैं। पर ये $39 का है, $39 का है जो इसका प्रो वर्जन है। एक इसका है कोर वर्जन जो बेसिक यूज़ ऑन मॉडर्न कंप्यूटर, और एक है इसका लाइट है जो बहुत पुराने सिस्टम जो बहुत स्लो हो चुके हैं इस टाइम, फॉर एग्जाम्पल पेंटियम सीरीज़ हो गई या कोर टू डू हो गई, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट हो जाएगा ये है। तो मैं भी इसका वही डाउनलोड कर रहा हूँ, पर ये स्पीड बहुत स्लो कर रहा है। फिर इसको दोबारा से, अच्छा ये लिनक्स बेस्ड होगी, जो लिनक्स में इंस्टॉल हो सकती है ना वो हो सकती है। अच्छा ये ज़ोरिन ओएस मुझे इसमें मिल गया था, इसका ना ज़ोरिन ओएस, ज़ोरिन ओएस 16 प्रो 2 वीक्स अगो इसे डाउनलोड। अब ठीक स्पीड आ रही है। तो ये बेशक किसी को चाहिए होगा ना, या खुद डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बेशक मेरे से ले लीजिएगा, तो ये जाके ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्या मैं बात कर रहा था, इंटरनेट स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 गीगाबिट आप लोग स्पीड लगवा तो लेते हैं, या 500 लगवा लेते हैं, या 200 ही लगवा लेते हैं। अब पीछे से आपको ISP तो प्रोवाइड कर रहा है 200 मेगाबिट, अब आगे से कंट्रोल दो चीज़ें कर रही होंगी, कौन कौन सी चीज़ें? एक तो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट केबल ही आती है, या डायरेक्ट केबल ही आती है। एक तो आपका NIC डिपेंड करता होगा कि NIC कितनी स्पीड कर आपको यानी कि पहुंचाता है, या आपके सिस्टम में यूजेबल होगा। और एक होगा केबल इसकी मीडियम, जिसके ज़रिए बैंडविड्थ आ रही है। केबल का भी हमने पढ़ा हुआ है और NIC का भी पढ़ा हुआ है। अपने NIC को चेक करना हो कि उसकी स्पीड कितनी है, तो सिंपल टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस, यहाँ पे ईथरनेट, ईथरनेट में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू नेटवर्क डिटेल्स करेंगे। अब यहाँ पे देखें ईथरनेट जो लगा हुआ है 1 गीगाबिट पर सेकंड, और वाईफाई जो है 300 मेगाबिट पर सेकंड, मतलब वाईफाई जो है 300 मेगाबिट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल 500 मेगाबिट स्पीड आ रही है, तो आपके सिस्टम में सिर्फ 300 मेगाबिट ही आएगी। ईथरनेट की जो स्पीड है 1 गीगाबिट पर सेकंड इस टाइम, जिससे ये कनेक्ट भी है। अब ये दो ईथरनेट है, ये दोनों वर्चुअल मशीन के हैं, VMware के हैं, तो ये 100 मेगाबिट के हैं। फॉर एग्जांपल 200 मेगाबिट अगर लगा हुआ भी है आपके सिस्टम में, आ भी रही है, तो वर्चुअल मशीन में नहीं आप लोग यूज़ कर सकते होंगे। इसको कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइम जो NIC इसमें लगा हुआ है वो सिर्फ 100 मेगाबिट तक ही सपोर्टेड है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा देख, कंप्यूटर इन्फो, हमने कंप्यूटर इन्फो आई थिंक पढ़ लिया पहले, देखा कि नहीं देखा जी? वन जीबी, ये बिट है, ये 1 गीगाबिट है ना, स्पीड जितनी भी होती है ना वो बिट में आती है। ये देखें, बिट पर सेकंड, तो वो जो है 5.11 गीगाबाइट, इसको मल्टीप्लाई करें ये, और 125,
मतलब कि 41 सेकंड, 41 सेकंड में हो सकती है वो वाली फाइल, मतलब 1 मिनट ही कह लें फॉर एग्जांपल, कि 1 मिनट से भी पहले पहले हो सकती है अगर 1 गीगाबिट पर सेकंड स्पीड आ रही हो पूरी की पूरी। तो पूरी तो वैसे भी नहीं आती है खैर से, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता ही रहता है, मतलब 1 मिनट में हो सकती है विंडोज़ 11 ना। ओके जी, यहाँ पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लिखेंगे या सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखेंगे या फिर MS Info 32 लिखेंगे सर्च में, या फिर विंडोज़ प्लस आर करके यहाँ पे भी MS Info 32 लिखेंगे तो तब भी वही सिस्टम इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब इसमें आपके सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही आपको बताएगा, बता दिया था ना मुझे लग रहा है कि सिस्टम का मैन्युफैक्चर, सिस्टम का नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर कौन है, OS के डिस्क्रिप्शन, वर्जन इसका, इसका एडिशन वगैरह, प्रोसेसर, बायोस मोड UEFI है, आ रहा नज़र UEFI, और रैम कितनी है, हाइपर वी VM मोनीटर इनेबल्ड है या नहीं है, वर्चुअलाइजेशन, सेकंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन एक्सटेंशन, ये हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था SLAT के नाम से, SLAT इसकी एब्रिविएशन बनती है, सेकंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन एक्सटेंशन, ये सारी इनेबल्ड है। हार्डवेयर रिसोर्सेज में इसके कंपोनेंट्स है, मल्टीमीडिया, सीडी रूम, साउंड डिवाइस, डिस्प्ले, इंफ्रारेड, इनपुट, मॉडम, नेटवर्क पोर्ट, स्टोरेज, प्रिंटिंग, प्रॉब्लम डिवाइसेस, USB, तो इन सारी चीज़ों की आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। ये MS Info को गया, और एक था MS Config, करवा दिया मैंने पहले, मैं कह रहा चले रिपीट हो जाए। MS Config में आई सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, जनरल में नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप, सेलेक्टिव स्टार्टअप, बूट में अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिस्टम में तो ये यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसे भी सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, जब नेक्स्ट टाइम सिस्टम आप लोगों का चलेगा तो जौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया होगा वो वाला रन होगा। सर्विसेज में इस कंप्यूटर की सर्विसेज जो चल रही होंगी स्टार्टअप में, जो जो से स्टार्टअप एप्लीकेशन हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं, और टूल्स में कुछ ये टूल्स हैं, अबाउट विंडोज़ इसको लॉन्च करेंगे। अब ये सिस्टम 32 में winword.exe की एक फ़ाइल है, ये वो रन करेगा, अगर वैसे winword लिखते हैं तो इस तरह भी आपको ये अबाउट विंडोज़ का आ जाएगा, WinWER, विंडोज़ 10 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसका वर्जन जो है 21H1। अब ये 21H1 क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है ना, ना पता हो किसी को, नहीं पता है ये 21H1 का मतलब क्या है जी, नहीं 21H1 का मतलब 2021 का हाफ वन, मतलब फर्स्ट हाफ जो है, मतलब जुलाई तक, जून छठा महीना, मतलब जुलाई से पहले पहले, तो जनवरी से लेकर जून तक ये वाला वर्जन रिलीज़ हुआ है। अब ये H1 और H2 करने की रीज़न क्या थी ये भी मैंने आपको बताई थी कि पहले मंथ्स में आता था 2003, फिर 1909, सॉरी 2003 2009 1903 1909 1803 1809 इस तरह आता था, तो लास्ट जो था वर्जन वो 2004 हो गया था, 2003 की बजाय 1909 को आया था, उसके बाद 2003 की बजाय 2004 को आया था, 7 मंथ्स हो गए थे उसे, हर 6 मंथ के बाद वर्जन चेंज होता है, सपोर्ट वगैरह न्यू आ जाती है, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हैं, तो 1 मंथ ज़्यादा होने की वजह से फिर उन्होंने 20H2 रखा था। 20H2 का मतलब था कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक, फिर 21H1 कर दिया 2021 हाफ वन, और 2000
21 का H2 होगा जो वो हाफ सेकंड होगा। इस तरह भी कर सकते हैं, अबाउट विंडोज़ में जाके लॉन्च करेंगे तो तब भी यही रन होगा। चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स, इसे लॉन्च करते हैं तो अकाउंट कंट्रोल सेटिंग ऑलवेज नोटिफाई करेंगे तो हमेशा आपको ये नोटिफाई करेगा जब भी विंडोज़ कुछ सेटिंग्स को चेंज कर रहा हो या फिर कोई न्यू सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हो रहा हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये है, नेवर नोटिफाई से कभी भी आपको नोटिफाई नहीं करेगा। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, इसे लॉन्च करेंगे तो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस यहाँ से लॉन्च हो जाएगा। विंडोज़ ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये वही है देखें, MS Info 32 प्रोग्राम्स में ऐप विज डॉट सी पी एल, ये कंट्रोल पैनल ओपन कर देगा। ये देखें ऑल प्रोग्राम्स कंट्रोल पैनल में, हम जो जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल में पहले जाते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, इस तरह हम जाते हैं। अगर डायरेक्ट जाना हो विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे, इसमें लिखेंगे ऐप विज डॉट सी पी एल, ऐप विज डॉट सी पी एल, तो ये डायरेक्ट आप लोगों को प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में ले जाएगा कंट्रोल पैनल के। ये देखें, अच्छा ये जितनी भी कमांड्स वगैरह है ना, प्रोफेशनल वर्क जो होता है इसी तरह ही होता है। आप लोग जब उस फील्ड में पहुंच जाएंगे और वर्क कर रहे होंगे तो ज़्यादातर आप लोग कमांड वैसे ही याद हो जाएंगे जब वर्क कर रहे होंगे साथ साथ, तो किसी के सामने भी करेंगे ना, बंदा बहुत प्रोफेशनल लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है।